हमारे समझ से उनका ये डिसीजन अभी तक उतना बढ़िया साबित नहीं हुआ है, ये साबित करना होगा जबकि खुद बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वही सूरज कप्तान हलगांव से जब अहमद भाई बातचीत कर रहे थे इस बीच मुन्ना अग्नि क्या लॉकर की क्या ले गए खेल दिया हो तो फील्डर काफी बोलने लगे दूर से दौड़ करके गेंदर करेंगे जब तक दोनों ही बल्लेबाज आसानी के साथ एक और रन का इजाफा स्कोर बोर्ड 89 विकेट। तो सूरज कप्तान ने भी ये बताया कि हम चार मरतबा इस टूर्नामेंट में टॉस हार कर ही यानी बाद में गेंदबाजी करके मैच जीता है, तो मतलब उनके हिसाब से भी ये डिसीजन सही था। इस बीच दूसरी गेंद तो देखते हैं कि दोनों कप्तान का कथन अपने अपने हिसाब से तो सही था, लेकिन सही कौन होगा आखिरी गेंद में आखिरी ओवर में जब दूसरा इनिंग चालू होगा। कंटिन्यू फारूक जी बिल्कुल बोला ना मुन्ना सामने होंगे चौरसिया स्टैचू पे। एक बार स्कोर से मैं निवेदन करूंगा कि चौरसिया का निजी स्कोर भी एक बार कॉन्टिंग में रखेंगे अगली गेंद लेकर के। मुन्ना कैन उठा के खेला है लेकिन यहाँ पे उनका निजी स्कोर तो आना बाकी लेकिन विकेट का पतन होता हुआ छठा विकेट का पतन होता हुआ चौरसिया जो कि अपने आप को मायूस छोड़ से होंगे 24 रन जिसमें शानदार 3 छक्के होंगे उसमें और 24 रन का योगदान दिए अपने टीम के लिए कुल स्कोर 89-5 विकेट के नुकसान में। 12वें ओवर की शुरुआत होते ही चौरसिया को बढ़ लिया जो बार यही कसी हुई फील्डिंग हलगांव टीम को फाइनल की ट्रॉफी तक लेकर जाएगी। अगर आप अच्छी गेंदबाजी नियंत्रित गेंदबाजी करते हैं और उतनी कसी फील्डिंग करते हैं